मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। और बिहार विधानसभा चुनावों पर मैं बात कर रहा हूं। एक एक सीट बिहार विधानसभा में जितनी सीटें हैं 243, उन सभी की बात मैं करूंगा। और उस पर बात करने का तरीका मैंने ये तय किया कि लोकसभा सीटों के लिहाज से बिहार की विधानसभा सीटों की बात करूंगा। बांका लोकसभा की जो 6 विधानसभा सीटें थी उनकी बात मैं कर चुका हूं। और अब मैं बात कर रहा हूं जमुई लोकसभा सीट की। जमुई लोकसभा सीट यानी जहां से सांसद हैं लोक जनशक्ति के नेता चिराग पासवान। और 2019 में चिराग पासवान जब यहां से दूसरी बार सांसद चुने गए तो बहुत भारी अंतर से जीते थे। वो 56% से ज्यादा मत उनको मिले थे, 5,28,000 से ज्यादा। उनके सामने RLSP के भूदेव चौधरी थे जिनको 30% से ज्यादा, 2,87,000 से ज्यादा मत मिले थे। यानी लंबा फासला था, लेकिन वो बड़ा फासला तब था जब वो NDA के हिस्से थे। अब वो NDA का हिस्सा नहीं है। और जमुई लोकसभा में जो 6 विधानसभा सीटें हैं, तारापुर, शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई, अब इन 6 विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान की प्रतिष्ठा इसलिए भी है क्योंकि वो NDA से अलग हो गए हैं और अकेले चुनाव में लड़ रहे हैं। तो कम से कम अपनी लोकसभा सीट में वो क्या कुछ कर पाएंगे, इससे उनकी प्रतिष्ठा तय होगी। और पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें थी उनके पास, लोक जनशक्ति के पास। अगर तारापुर की बात करें, जो तारापुर विधानसभा है वहां से अभी जनता दल यूनाइटेड के विधायक है शकुनी चौधरी, इस सीट के सबसे ताकतवर नेताओं में रहे हैं। 1985 से 2010 तक अलग अलग पार्टियों से 5 बार से ज्यादा विधायक रह चुके हैं। 2010 में नीता चौधरी और 2015 में उनके पति मेवालाल चौधरी, वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट से चुने गए। यानी अभी जो विधायक है वो मेवालाल चौधरी है जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर। चूंकि मेवालाल चौधरी ने हराया था शकुनी चौधरी को ही, जो पूर्व विधायक हैं, कई बार से जीतते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल ने यहां से इस बार जय प्रकाश यादव, उनकी जो बेटी हैं दिव्या प्रकाश, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनको टिकट दे दिया है। और दिव्या प्रकाश का मुकाबला होगा, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के, मेवालाल चौधरी से। लोक जनशक्ति यहां मीना देवी को उतारकर मुकाबले को थोड़ा मजबूत करना चाहती है। यादव और कोयरी मतदाता यहां अहम भूमिका में है। और इसके अलावा मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण और पासवान भी काफी अच्छी संख्या में हैं। और चूंकि जदयू जहां भी प्रत्याशी उतारेगा वहां लोक जनशक्ति लड़ेगी, क्योंकि वो तो कह रही हमारा तो गठजोड़ मोदी जी के साथ है। शेखपुरा सीट की बात करें, हालांकि यहां पर जो दावेदारी है वो मेवालाल चौधरी, उन्हीं की ज्यादा अच्छी दिख रही है, मेवालाल चौधरी की, और उनके सामने शकुनी चौधरी है। लेकिन कई बार होता है ना कि जो छुपे रुस्तम होते हैं वो एक कामयाबी उनको मिल जाती है। शेखपुरा ये भी जमुई लोकसभा की सीट है। शेखपुरा विधानसभा कांग्रेस के जबरदस्त कब्जे वाली सीट है। पहली से तीसरी विधानसभा तक कांग्रेस का विधायक चुना गया, चौथी से छठवीं तक यहां CPI का चुना गया, यानी एक समय में कांग्रेस की थी। फिर 7वीं विधानसभा में कांग्रेस के राजो सिंह जीते, 2000 तक उन्हें कोई हिला नहीं पाया। राजो सिंह के बाद उनके बेटे संजय सिंह यहां से विधायक चुने गए, और संजय कुमार सिंह के निधन के बाद 2005 में राजो सिंह की बहू सुनीला देवी यहां से विधायक बनी। सुनीला देवी बिहार महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। मतलब कांग्रेस की कितनी मजबूत सीट है आप समझिए, पहली से तीसरी तक, उसके बाद बीच में गया, फिर ये आ गए। 2010 के चुनाव में रणधीर कुमार सोनी यहां से जीते, और 2015 में भी JDU का ही कब्जा है, यानी 2010 में भाजपा के सहयोग से और 2015 में लालू जी के सहयोग से। तो अब रणधीर कुमार सोनी, उनको फिर से टिकट दे दिया है जनता दल यूनाइटेड ने, और उनके सामने लोक जनशक्ति की तरफ से इमाम गजाली हैं। और मैं यहां बता दूं कि यहां यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत अच्छी है, पासवान बहुत अच्छी संख्या में है, और कुर्मी वोटर्स भी रुख बदल सकते हैं। इस सीट पर लोक जनशक्ति की दावेदारी ज्यादा मजबूत दिख रही है। सिकंदरा सुरक्षित की अगर बात करें तो सिकंदरा भी कांग्रेस के खाते में गई है। जैसे मैं कई बार कहता हूं कि कई बार फायदा जो है वो
जो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को होता है, तो भाजपा और जदयू जब लड़े आपस में तो नीतीश जी चले गए लालू जी के साथ। तो लालू जी को जो लाभ हुआ वो तो हुआ, असली लाभ हुआ कांग्रेस पार्टी को, उसको खूब सीटें मिल गई। सुधीर चौधरी विधायक हैं, 2015 में सुधीर चौधरी ने लोक जनशक्ति के सुभाष चंद्र बोस, सुभाष पासवान को हराया था। 59,000 से ज्यादा मत मिला था सुधीर चौधरी को, 51,000 से ज्यादा मत मिला था सुभाष चंद्र बोस को। सबसे ज्यादा 7 बार यहां जो विधायक रहे हैं वो रामेश्वर पासवान रहे हैं। यहां से कांग्रेस ने अपने विधायक सुधीर चौधरी पर फिर से भरोसा जताया है। और चूंकि राजद या जदयू या कांग्रेस होगी या राजद होगी या कोई भी और होगी भाजपा के अलावा, अगर वहां भाजपा प्रत्याशी नहीं है तो एक कोना बढ़ेगा, वो है लोक जनशक्ति का। तो अब सुधीर कुमार चौधरी कांग्रेस से, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से प्रफुल्ल मांझी जदयू के खाते वाली, और लोक जनशक्ति की तरफ से रविशंकर पासवान। चूंकि अगर ये रविशंकर पासवान न लड़ते लोक जनशक्ति से, अगर यहां भाजपा होता, लेकिन चूंकि जदयू के खाते की सीट थी और प्रफुल्ल मांझी को दे दिया जीतनराम मांझी की पार्टी को, तो लड़ रहे। सुभाष पासवान जो लोक जनशक्ति से लड़कर हारे थे उनको टिकट नहीं दिया और वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। यानी यहां मुकाबला बहुत विचित्र सा होने वाला है और अनुसूचित जाति बहुल सीट है। जमुई सुरक्षित लोकसभा की एक और सीट है, जमुई विधानसभा। अब ये बड़ी प्रतिष्ठा की सीट बनने वाली है, चमकदार सीट है। यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी, अंतर्राष्ट्रीय शूटर है श्रेयसी सिंह, वो भाजपा में आई और भाजपा ने उन्हें यहां से अपना प्रत्याशी बना दिया है। अब यहां एक चीज और समझिए कि इस सीट को राजद को दे दिया था जनता दल यूनाइटेड ने, राष्ट्रीय जनता दल के विजय प्रकाश यादव यहां से विधायक हैं, और विजय प्रकाश यादव को 42% से ज्यादा मत मिले थे और दूसरे स्थान पर अजय पात्रा रहे थे। अब श्रेयसी सिंह भाजपा, विजय प्रकाश यादव जो जयप्रकाश यादव के भाई हैं केंद्रीय मंत्री के, वो राजद से, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से पूर्व विधायक अजय प्रताप ये लड़ेंगे। अजय प्रताप यहां लड़ रहे हैं। और एक चीज और समझिए कि यहां लोक जनशक्ति नहीं है क्योंकि श्रेयसी सिंह भाजपा के टिकट पर लड़ रही हैं, और यहां पर श्रेयसी सिंह चुनाव जीत सकती हैं। यहां उनके लिए महिला हैं, चमकदार चेहरा है, एक ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं, और जो लोक जनशक्ति का यहां न उतरना वो भी लाभ दे सकता है। जमुई लोकसभा की एक और विधानसभा सीट है झाझा। झाझा का समीकरण बड़ा रोचक है, आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। और राजनीति कैसे यूटर्न लेती है, पूरा सर्किल है गोल गोल धरती की तरह, वो भी समझ आएगा। झाझा से 1986 में उपचुनाव में जीते थे कांग्रेस के टिकट पर रविन्द्र यादव। रविन्द्र यादव के पिता बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, शिवनंदन प्रसाद यादव 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे थे। उनका जब निधन हुआ तो उपचुनाव हुआ और उसी सीट से रविंद्र यादव जीते। हालांकि अगले ही चुनाव में शिवनंदन झा ने उन्हें फिर से हरा दिया। शिवनंदन झा पहले भी इस सीट से 3 बार विधायक रहे थे। 1995 में रविन्द्र यादव ने फिर से यह सीट जीत ली, और 2000 में जब भाजपा और जदयू का गठजोड़ हो गया तो जनता दल यूनाइटेड से यहां से ताकतवर नेता हो गए दामोदर रावत। दामोदर रावत नीतीश सरकार में मंत्री थे, और दामोदर रावत एक तरह से कहें कि बहुत जबरदस्त उनका प्रभाव था। लेकिन जब 2015 का चुनाव हुआ तो दामोदर रावत को 43,451 मत ही मिल पाए और भाजपा ने यह सीट जीत ली क्योंकि भाजपा के साथ रविंद्र यादव आ गए थे, और रविंद्र यादव को 2015 में 65,537 मत मिल गए थे और वो विधायक बन गए। विधायक तो बन गए, लेकिन अब भाजपा ने ये सीट फिर से जनता दल यूनाइटेड को दे दी। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यहां से दामोदर रावत चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने राजेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अजीत कुमार भी ताल ठोक रहे हैं, और रविंद्र यादव को अब टिकट दे दिया है लोक जनशक्ति ने। इस सीट पर भी लोक जनशक्ति पार्टी का एक्स फैक्टर कमाल दिखा सकता है।
और जमुई लोकसभा की आखिरी विधानसभा सीट छठवीं चकाई। चकाई में अभी विधायक हैं सावित्री देवी यादव, 2015 में राजद के टिकट से बनी थी, जदयू और राजद एक साथ लड़ा था। पूर्व विधायक जो निर्दलीय सुमित कुमार लड़े थे वो दूसरे स्थान पर थे। 2010 में इसी सीट से सुमित कुमार जीते थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर, लेकिन अंतर बहुत कम था, 188 मतों के अंतर से जीते थे। हालांकि इस सीट पर सबसे ज्यादा 4 बार फाल्गुनी प्रसाद यादव जीते हैं विधायक होकर, और फाल्गुनी 3 बार भाजपा के टिकट पर जीते हैं। लेकिन यहां से अब राजद के टिकट पर तो सावित्री देवी यादव हैं। अब ये सीट चली गई जनता दल यूनाइटेड के कोटे में, तो संजय प्रसाद लड़ेंगे अब जनता दल यूनाइटेड से। अब भाजपा का प्रत्याशी नहीं है तो लोक जनशक्ति का प्रत्याशी होगा, इसलिए यहां से संजय कुमार मंडल वो चुनाव लड़ रहे हैं, और झामुमो का प्रत्याशी उनके प्रत्याशी हैं एलिजाबेथ सोरेन। तो कुल मिलाकर झाझा की ही तरह चकाई में भी लोक जनशक्ति के लिए उर्वर भूमि है ये, और ये सभी 6 विधानसभा सीटें जमुई लोकसभा सीट की जो मैंने समीकरण बताया, मैं आपको सभी 243 विधानसभा सीटों का समीकरण बताऊंगा, और 6-6 सीटें औसत लोकसभा के लिहाज से जो है वो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जिससे आपको दूसरे को ये वीडियो आगे बढ़ाने में भी आसानी हो, आपको भी देखने में कि अच्छा ठीक है इस लोकसभा की 6 सीटों का समीकरण देखना है तो हम देख लें। अभी मैं आपको समीकरण बता रहा हूं और अपना थोड़ा सा अनुमान बता रहा हूं कि किसका प्लस है, लेकिन पूरी तरह से सीटों का अनुमान पहले चरण के चुनाव के बाद मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। प्लूरल्स पार्टी जो आई है वो तो अभी चुनाव चिन्ह के लिए ही दौड़ाभागी मचाए हुए, तो इसलिए अभी थोड़ा सा ठहर जाइए सीटों के आंकड़ों को लेकर, वो तो पोल वगैरह आ ही रहे हैं, लेकिन ये जो मैं अनुमान आपको दे रहा हूं इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा होगा कि हवा किस तरह बह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव की ये चर्चा जारी रहेगी, सभी 243 विधानसभा सीटों का अनुमान, उनकी राजनीति, उनका इतिहास, आंकड़े, तर्क, तथ्य, पूरा विश्लेषण मेरे यानी हर्षवर्धन त्रिपाठी के इस YouTube चैनल पर आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।